मतलब एक नेचर चलती आ रही है कि बेटा जो है वो आवारा भी निकला था, बेटा जो है किस्मत से अच्छा मिलता है, बेटा जो है बाहर भी निकल जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं वो कब कैसा निकला है कैसा होके घर आ जाए। लेकिन बेटी के ऊपर बाप को बहुत मान होता है। अगर कोई मोहब्बत करते हैं दोनों आपस में तो पूछना चाहिए कि भाई लड़की की लड़की से पूछना, मेरे नबी की सुन्नत है भाई, लड़की से पूछना चाहिए, ये आपकी इज्जत में कमी नहीं होगी कि आप लड़के से पूछेंगे। मैं कभी भी ये कतन ये नहीं कहूंगा कि ये लड़की की गलती है या वालदैन की गलती है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं भाई इसमें। अब पबजी पे जुमा जुमा उनका 8 दिन हुए थे दोस्ती हुए को और उन्होंने शादी कर ली है, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो बाद में जाकर पता चलेगा। अब वो जो मेरा जिसे मेरी जिस मर्दी वाले अब वो आए ना मैदान में आके, इस तरह की चीज़ें अगर आप परवान चढ़ाओगे तो फिर इस तरह की चीज़ें मिसमैनेजमेंट होगी। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं एक टॉपिक के साथ, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ा एक टॉपिक हाईलाइट हुआ है दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी का, वो लड़कियां जो घर से भागी उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक वावेला हुआ कि आखिर वो लड़कियां कहां पे चली गईं, उनको किसने अगवा कर लिया, क्या उनको मार दिया गया, बड़ा टॉपिक ये हाईलाइट हुआ, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी भी हुई। उसके बाद नाज़रीन कुछ अरसे के बाद जो है वो दोनों लड़कियों के जो है वो इंटरव्यूज़ मंजरे आम पर आते हैं कि जी हम भागी नहीं हैं, ना हमें कोई यहाँ से भगा के लेकर गया है, हमने तो निकाह कर लिया है क्योंकि हमारे घर वाले हमारी ज़बरदस्ती शादियाँ कर रहे थे। नाज़रीन सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान का जो एक मुस्बत चेहरा है, पाकिस्तान का जो एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है, उसको कितना भयानक बनाकर पेश किया जाता है। लोगों से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, अब जब लड़कियाँ इस तरह की कोई हरकत करती हैं तो क्या ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब नहीं बनता? अच्छा नाज़रीन एक लेडी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि जो ये हरकत हुई है अब इसमें गलती किसकी है, पेरेंट्स की है या उस लड़की की गलती है या परवरिश की के उसमें मसला है, आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम शेख। अच्छा अनम मुझे ये बताएं कि एक लड़की अपने घर से भाग जाती है किसी के साथ और जब वो भाग जाती है तो पीछे पाकिस्तान के ऊपर बातें उठती है कि शायद उसको कत्ल कर दिया गया है, शायद उसको मार दिया गया, उसको किडनैप कर दिया गया है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद उसका एक वीडियो बयान आता है, बल्कि 3 केसेस ये चल रहे हैं जिसमें एक ज़्यादा हाईलाइट हुआ है दुआ ज़हरा, उसका एक वीडियो बयान आता है कि जी मैं तो अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और मैं खुश हूँ मैंने निकाह कर लिया है, आप मुझे बताएं कि ये जो किया गया कि ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि देखें एक बाप के ना सर का मतलब ताज होता है, एक मान होता है बाप के सर का, बेटी बेटे ऐसा मतलब कुछ करे बेटे माना जाता है, एक वो था ना मतलब एक नेचर चलती आ रही है कि बेटा जो है वो आवारा भी निकला था, बेटा जो है किस्मत से अच्छा मिलता है, बेटा जो है बाहर भी निकल जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं वो कब कैसा निकला है कैसा होके घर आ जाए। लेकिन बेटी के ऊपर बाप को बहुत मान होता है, माँ की अट्रैक्शन जो होती है बेटे से होती है, बाप की अट्रैक्शन बेटी से होती है, लेकिन अगर उसने जो हरकत की है इस तरह के 3 केसेस आपने भी बताया, मुझे भी पता चला था कि 3 केस चल रहे हैं और एक हाईलाइट जो हुआ है वो लड़की 14 साल का मतलब कह रहे हैं उसका बाप ना, लेकिन कहा जा रहा है वो लड़की जो है कह रही है कि मैं 18 साल की हूँ, बट अगर बाप कह रहा है 14 साल के और 14 साल के बच्चे का तो वैसे भी निकाह नहीं होता, 16 या 15 साल की उम्र में होता है, ठीक है, लेकिन अगर उस लड़की ने ये हरकत किया तो मुझे लगता है दोनों तरफ का गलती होगी। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब माँ बाप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, बच्चों को घर बांध के रख लेते हैं, तो वो फिर जब बच्चे बांध के रहते हैं ना तो वो कहते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, फिर उनको एक इतनी सी ना वो एक होता ना चिंगारी लगाने की दे रहा है कि हल्का सा किसी ने वो उस मतलब पीप दी कि यार ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो फ़ौरन से उसकी तरफ हो जाते हैं, वो फिर माँ बाप को भी बोल जाते हैं ऐसे हर चीज़। और सबसे पहली बात सोसाइटी बहुत असर करती है आपकी, आप जैसे सोसाइटी के होगे वैसे आपको आगे से मतलब मिलेगा कि आप कैसे निकल तो आगे बढ़े होके, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे तो दोनों तरफा गलती लगती है, बेटी को चाहिए था बाप का मान देखती और बाप माँ बाप को चाहिए था, क्योंकि पीछे की बात पूरी मैं भी नहीं जानती, तो माँ बाप को भी चाहिए था कि अगर उन्होंने बहुत बांध के बच्ची को रखा हुआ था ना तो ऐसा ना करते, ऐसा करने से ही आज ये दिन आया। चले माँ बाप के ऊपर तो हमारे बड़े हकूक होते हैं, अगर वो हमें किसी बात पर रोकते भी हैं या हमारी बात नहीं मानते, हमें फिर भी हमारे पे फर्ज है कि हम उनकी इज्जत का ख्याल रखें। अब आप मुझे बताएं आप उन बहनों को क्या पैगाम देंगी जिनके अभी भी सर पे मोहब्बत के भूत, मोहब्बत करना कुछ गलत नहीं है, आप माँ बाप के साथ शेयर करो, आप पसंद की शादी करो, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो ये भागने वाला कदम है आप उनको क्या पैगाम देंगी कि क्या उनको रुकना चाहिए, क्या इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए? ये हमारे ना यहाँ पर अभी ये 2-3 केस ऐसे हाईलाइट हुए हैं, लेकिन ऐसा होता बहुत अरसे से चलता आ रहा है, समझ लो जब से मतलब एक जनरेशन का न्यू स्टार्ट हुआ ना कि बहुत जबकि लोगों की बच्चों की सोच बनी कि हमें मतलब मोहब्बत, और जब बच्चों को पता चला कि मोहब्बत क्या होती
होती है, प्यार का होता है, लड़का क्या होता है, इन सब चीज़ों से जब आया ना हम लोग तब से ही ऐसा चलता रहा। हाईलाइट नहीं हुआ कभी, अब हाईलाइट हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता है और जहाँ जहाँ भी हुआ है तो मैं उन सबको यही कहूँगी कि बाप का मान ना तोड़ो, क्योंकि एक बाप ही ऐसी हस्ती है जो कि हर तरह का ना दुख बर्दाश्त करता है अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। और स्पेशली कि आपको अगर पसंद है ना, तो आपने कहा ना मोहब्बत करना, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आप मोहब्बत करो लेकिन उसको नाजायज़ तरीके से ना लेके जाओ, जायज़ तरीके से अपने माँ को बताओ, अपने बाप को। चलो माँ के साथ बच्चे की लड़की की और बात होती है, माँ को बताओ, बाप को बताओ, और निकाह करो, निकाह भी करो तो जायज़ तरीके से करो। इस तरह से माशरे में रुसवा ना करो अपने माँ बाप को। बिलाल भी मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम बात करेंगे दुआ जहरा की, ठीक है। वो लड़की जो है वो उसके माँ बाप के मुताबिक वो है सिर्फ 14 साल की, ठीक है। वो अपने घर से निकली, उसने ये कहा कि मेरे माँ बाप कहीं मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे, इसीलिए मैं अपने घर से निकली और मैंने कर लिया निकाह। अब इस पूरे जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान की इज्जत को बहुत ज़्यादा उछाला गया, ठीक है, बाहर के मुल्कों में। आप मुझे बताएं कि यार ये सारा क्या माजरा है, ये घर वालों को थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जो हरकतें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? एग्जैक्टली मुझे ये लगता है कि घर वालों को भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और आजकल पेरेंट्स एक गलती कर रहे हैं, वो ये है कि वो अपने बच्चों की बात सुनते नहीं हैं, वो उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते कि वो किस ट्रैक पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने बच्चों को भी समझना चाहिए, और बच्चों को भी ये चाहिए कि अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल रखें और उनसे मशवरा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुजम्मिल कुरैशी। अच्छा मुजम्मिल भाई, कोई लड़की घर से भाग जाती है, उसके बाद वो कुछ महीनों के बाद अपलोड करती है एक इंटरव्यू, एक वीडियो कि जी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन वो जो टाइम पीरियड गुजरा होता है उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़रा कीचड़ उछाला जाता है और माँ बाप भी बहुत ज़्यादा बेचारे हर्ट भी होते हैं, घर वाले भी हर्ट होते हैं। तो आपको, आप क्या समझते हैं कि ये लड़कियाँ के जो कदम उठाती हैं क्या ये सही है? भाई सबसे पहले तो ये बारे में सोचने की बात है, वालदैन को इस बारे में सोचना चाहिए। 95% बच्चे नाफरमान अगर होते हैं ना तो वो सिर्फ वालदैन की वजह से होते हैं। वालदैन बच्चों से वो कम्युनिकेशन नहीं करते, वो कम्युनिकेशन जब तक आप गैप ख़त्म नहीं करोगे बच्चों के दरमियान, तो फिर ऐसे ही नतज मिलेंगे आपको। आपको क्या लगता है कि जब अगर ये बात वो बच्ची अपने माँ बाप से शेयर करते तो वो माँ बाप उसको करने देते ये सीन? अगर वो पहले ही करने देते तो वो लड़की ये कदम उठाती? अगर जब ये कदम उठाई है तो नहीं, इसमें दोनों पार्टियों की गलती है भाई, लड़की की भी गलती है, उनके वालदैन की भी गलती है। अगर वो पहले बता देती कि भाई मैंने ये करना, तो पहली बात तो ये हमारे वालदैन इतना हमें क्लोज नहीं करते एक दूसरे के कि भाई हम उनसे हर तरह की बात शेयर करें। अगर इस तरह की बात बताए तो उन्होंने कहना साड़ी इज्जत ख़राब कर दी, जल्दी जल्दी कुड़ी का ब्याह कर दो। लड़की को किसी पता नहीं बूढ़े आदमी के साथ, किसी आदमी के साथ जल्दी से जल्दी शादी करने की सोचते, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। अगर कोई मोहब्बत करते हैं दोनों आपस में तो पूछना चाहिए कि भाई लड़की से पूछना, मेरे नबी की सुन्नत है भाई, लड़की से पूछना चाहिए। ये आपकी इज्जत में कमी नहीं होगी कि आप लड़की से पूछेंगे। जब यार लड़की की गलती इसमें ये इस बात की है कि जब वो घर से भागी तो एक शॉर्ट क्लिप से देना चाहिए था कि वहाँ की अदालत, वहाँ के किसी पुलिस स्टेशन में देना चाहिए था, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जब पीछे से मीडिया उठता है ना, फिर जब केसेस बनते हैं इस तरह के कि भाई जब मीडिया आता बाहर तो मीडिया कहता कि भाई ये चोरी हो गया या फिर लड़की को किडनैप कर लिया, लड़की को अगवा कर लिया। पहले ही पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर बहुत बदनाम है, तो ये पहले पॉइंट ऑफ करना चाहिए कि भाई ये इन चीज़ों से दूर रहें। अच्छा मुजम्मिल भी, एक और यहाँ पे बात है, बड़ी सेंसिटिव बात है, वो ये है कि जो लड़की है उसके पेरेंट्स ने कहा है कि हम लोग अपनी लड़की की गुमशुदगी का ऐलान करवाने गए मस्जिद में, और आगे जो मस्जिद थी वो अहले सुन्नत की थी। उन्होंने जब ये नाम सुना दुआ जहरा तो उन्होंने कहा कि हम अहले तशिया इस टाइप के नामों का ऐलान ही नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि ये क्या हुआ? ये तो अलमिया है यार हमारा, हमारे आप सोचो कि हमें देवबंदी शिया और बरेलवी बना कर गए थे, हमें मुसलमान बना कर गए थे। हमें सोचना चाहिए क्या हम वो हैं? अगर वो मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बंदा ले रहा है तो यार उसके इसी रिस्पेक्ट करो यार, जहरा कितना बड़ा नाम है उसी की रिस्पेक्ट कर लेते हैं यार। ये शिया सुन्नी क्या होता है ये मुझे समझ नहीं आती यार। हमें देखो जो उनसे हिंदू है ना, उनके हज़ार खुदा हैं फिर भी वो एक नाम पर डटे हुए हैं। हमारा एक खुदा होने के बाद भी फिर भी हम हज़ार फिरकों में बटे हुए हैं, क्या होगा हमारा? ये सोचने का अलमिया है ना। फिर हम कहते हैं कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा, कैसे जाएगा? अच्छा मुजम्मिल भाई, उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगे जो इस तरह का कोई कदम उठाती हैं, लेकिन जो भी है एटलीस्ट हमारे माँ बाप पे बड़े हकूक हैं कि इवन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे माँ बाप अगर हमें बेच भी दे तो हम उनके आगे उफ तक नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं कि जो लड़कियाँ ये कदम उठाती हैं उनको थोड़ा सब्र और हौसले का मुजाहरा करना चाहिए। भाईजान जितना जितना औलाद का हकूक वालदैन पर है उतना वालदैन का हकूक भी औलाद पर ही है, समझ रहे हो? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इन दोनों को आपस में कन्वर्सेशन करनी चाहिए, माले वालदैन को बच्चों से पूछना चाहिए कि आपने खाना खाया, खाना खाने के अलावा भी आज दिन कैसा गुजरा आपका, बाहर कैसे दोस्त मिले। जब तक ये कन्वर्सेशन बच्चों के दरमियान नहीं करेंगे वालदैन पेरेंट्स, तो ये हालात होते रहेंगे।
आपको जब ये सोचना चाहिए कि भाई ये हमारी गैरत है, ये जब आप गैरत वाला वो निकालोगे अपने दिमाग से, फिर देखो ना ये सब भाग के लड़की चली गई, ये इससे 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 गिरा हुआ कोई काम है। अगर वो लड़की से पूछ लेते कि क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो, किसी से प्यार करती हो, तो वो शादी करवा देते, ये दिन तो ना देखना पड़ता। आपको लगता कि ये अलमिया होता, ये दिन देखना पड़ता अगर वालदैन पूछ लेते? मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं कभी भी ये कतन ये नहीं कहूंगा कि ये लड़की की गलती है या वालदैन की गलती है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं भाई इसमें। अच्छा, ये भाई से हम पूछेंगे कि ये सारा माजरा क्या है और ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? ज़ीशान। अच्छा, आपको इस टॉपिक का तो पता ही है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जो लड़कियां इस तरह की हरकत करती हैं, ठीक है, इसमें माँ बाप की गलती है या कुछ परवरिश में मसला होता है या माँ बाप जो है वो पूछते नहीं है, आखिर ये सारा माजरा क्यों पेश आता है? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर है कि ये शादी जायज़ ही नहीं है जो वली की इजाज़त के बगैर होती है। वली कौन होता है? जो आपका वालिद है, वालदा है, अगर वो नहीं है जिन्होंने आपकी परवरिश की, और अगर ये आपको पसंद की शादी करनी भी है तो माँ बाप की रजामंदी से करें। इसमें दोनों तरफ से कसूर है। माँ बाप को भी कहता हूँ, अगर बच्चे कहीं विलिंग है शादी करने के लिए, उनकी पसंद की शादी है, तो उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा पेंसिव होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे बताएं, अब पबजी पे जुमा उनका 8 दिन हुए थे, दोस्ती हुई को, और उन्होंने शादी कर ली है। अब उसके जो कॉन्सिक्यूसेस होंगे वो तो बाद में जाकर पता चलेगा। ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, ये जो फेसबुक की, और हमने देखा ये कितने जुमा 8 दिन इनको होता है, दोस्त बनते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, और फिर जो हमारी डिवोर्स की रेशियो इसलिए बढ़ रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। एक नहीं, 3 वाक़ियात हो चुके हैं मेरे ख्याल में। कराची 3 लड़कियाँ आई हैं और 3 इस तरह के वाक़ियात हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि बस में उसमें वो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट भी आ रहा था जी। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि उसके वालदैन कहते हैं जी हम लोग ऐलान करवाने के लिए मस्जिद में गए, जब हमने नाम बताया कि जी हमारी बेटी का नाम है दुआ ज़हरा, ये ऐलान हमने करवाना है, वो मिल नहीं रही, तो आगे मौलवी साहब ने कहा कि इस तरह के नाम या अहले तशी का हम तो ऐलान भी नहीं करते। अगर तो इमाम मसीह साहब ने ये कहा तो वाकई वो बड़ा बदबख्त शख्स है, क्योंकि फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इतना प्यारा और खूबसूरत नाम है, खूबसूरत नाम है, सबसे मुअज़्ज़ज़ नाम है हुज़ूर की बेटी, जिसके दोनों बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार, जिसका शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे परवरिश हो, उसका नाम आए और वो इस तरह के, अगर तो उन्होंने हरकत की है तो बिल्कुल गलत की है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरह की चीज़ें होती हैं, हमेशा हमारे यहाँ ना एक तबका होता है जो हमेशा इस तरह की चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, और हमने इसमें बड़ा सफ़र किया है, सो वी डोंट वांट टू मोर कि हम इसमें और मज़ीद जाएँ इसको लेके। लेकिन अभी उसका ड्रॉप सीन जो हुआ, कह रहे थे कि उसका निकाह नामा, फिर उसके वार्ड ने उसको डिनाई किया था, अब उसका निकाह नामा, तो क्या वो लड़की ने खुद अपने उल्टा पीरियड के खिलाफ चली गई है? लेकिन वो मुझे वो मैंने सुना था कि जो हाई कोर्ट के जज साहब, उन्होंने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी कि यार ये क्या तुक बंद है, एक वालदैन आपको 18 साल 20 साल आपको पालते हैं पोसते हैं, और आप एट द एंड ऑफ द डे जाके उन्हीं को, एक तो आप घर के घर से जब बाकी जाते हैं, जो वालद के जो तासरात होते हैं वो वालद बता सकते हैं कि उस पर क्या गुजरी है, उसकी एक बेटी चली गई है और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आप उसको अदालत में बुला रहे हो, ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। इसमें तरबियत की भी ज़रूरत है और उलमा कराम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब वो जो मेरा जैसे मेरी मर्दी वाले, अब वो आए ना मैदान में आके, इस तरह की चीज़ें अगर आप परवान चलाओगे तो फिर इस तरह की चीज़ें मिसमैनेजमेंट होगी। अच्छा, उन खातून उन लड़कियों को आप क्या पैगाम देंगे जो घर से निकल जाती हैं, जो माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखती, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं रखती, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि मैं माँ बाप से पहले सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे कहीं ना कहीं अगर उनकी पसंद है तो आप कोशिश करें, अगर पॉसिबल तो उनकी शादी करें, क्योंकि अगर अगर आप आपके माँ बाप खुश नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ कि फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माँ बाप की दुआएं आपके साथ नहीं हैं। देखें, जब आप इस तरह की शादी करते हो, घर से बाकी जाते हो, सिर्फ आप घर से बाकी नहीं जाते, आपके जो जितने रिलेटिव होते हैं वो आपसे कट ऑफ करते हैं, और आपके पेरेंट्स को जिस तरह की बात में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है वो खानदान बता सकता है। तो मैं ये इस लानत से बचना चाहूँगा और कहूँगा कि माँ बाप को भी कि अपनी बच्चियों को फ्रीडम दें, लेकिन इतना फ्रीडम कि वो घर से बाकी जाएँ, और ये एक लानत है, और हमें अल्लाह ताला इस तरह की लानत से महफूज फरमाए। चले जी, बहुत शुक्रिया।